नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में शुरुआत किए गए उस धरना प्रदर्शन के बारे में, जिसको लेकर आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिला। चाहे अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती के मायनों से, बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के मायने से, या फिर जो छात्र लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे उन सभी के लिए भी, क्योंकि वीडियो की शुरुआत सबसे पहले उन सभी छात्रों के लिए होनी चाहिए जिन्होंने इस धरना प्रदर्शन को जीवंत रखा। पिछले 57-58 दिनों से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आज 18 मई 2023 का दिन इस धरना प्रदर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा निर्णायक है, क्योंकि इससे पहले भी छात्रों ने एक धरना प्रदर्शन को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था। आज उसी क्रम में दूसरा सबसे बड़ा दिन देखने के लिए मिला। क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली और क्या क्या अपडेट निकली, सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। सबसे पहले तो उन सभी छात्रों को ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं जो कि इस धरना प्रदर्शन के अंदर पहुंचे। हालांकि अभ्यर्थियों की संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आवेदन करने वाले 21 से 22 लाख होंगे। मैंने अपने हर वीडियो के माध्यम से धरना प्रदर्शन करने वाले नीतीश पांडे इसके अलावा और भी तमाम अभ्यर्थियों को समर्थन किया और उनसे जुड़ने के लिए आप सभी को कहा कि आप लोग इन अभ्यर्थियों का समर्थन अवश्य करें अगर आप सच में हितैषी हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। क्योंकि संघर्ष अगर कोई कर आए तो उसको समर्थन आप करेंगे तभी आपको जीत मिलेगी। आज उसी की कड़ी में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला। और सबसे अच्छी बात देखने के लिए मिली कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, जो कि हर फील्ड में आगे आ रही हैं, धरना प्रदर्शन के अंदर भी उनका कहने की समर्थन छात्रों से ज़्यादा, मतलब मेल पुरुषों से ज़्यादा देखने के लिए मिला। ये सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात रही। जब दोपहर को मैंने वीडियो बनाया था तो आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से इको गार्डन में जो धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, वहां पे अभ्यर्थियों की तरफ से सीएम योगी के आवास का घेराव किया गया और सीएम योगी के आवास का घेराव करने के बाद में इन सभी छात्रों को इको गार्डन भेज दिया गया। हालांकि जब सीएम योगी के आवास का घेराव हुआ तो अभ्यर्थियों को कहने की इको गार्डन जो उनकी जीप है पुलिस प्रशासन की, उनके माध्यम से बिठाकर भेजा गया। लेकिन इसमें कई अच्छी बातें देखने के लिए मिली और वो ये थी कि सरकार और प्रशासन के माध्यम से छात्रों की बातों को माना गया, जो भी छात्रों ने यहाँ पर मांग रखी गई थी। अब बात कर लेते हैं इस धरना प्रदर्शन के अंदर क्या क्या निर्णय देखने के लिए मिला, वो तो मैं आप सभी को अभ्यर्थियों के माध्यम से भी सुनवा दूंगा कि आज धरना प्रदर्शन का निष्कर्ष क्या निकला। लेकिन अगर एक लाइन में कहा जाए तो धरना प्रदर्शन पूरे तरीके से सफल रहा। अभ्यर्थियों ने जो भी यहाँ पर मांगे रखी थी वो सरकार तक पहुँची और सबसे बड़ी जो मांग देखने के लिए मिली थी सीएम योगी की आवाज़ घेराव करते समय, उन्होंने मांग रखी थी कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ उनकी जो मुलाकात है वो सीएम योगी के साथ में करवाई जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सीएम योगी है वो उपस्थित नहीं थे, तो ऐसे में ओएसडी सर के साथ मुलाकात देखने के लिए मिली। मुलाकात के बाद क्या कुछ हुआ वो आप सभी अभ्यर्थियों के माध्यम से भी सुन सकते हैं और छात्रों की वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आज का धरना प्रदर्शन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जब आज का धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया कि उनकी जो भी मांगे हैं छात्रों के माध्यम से, 75 जिलों के अंदर रिक्त पदों का डाटा, इसके अलावा 1,73,000 पद जो कहने की शिक्षक भर्ती के खाली हैं, इसको लेकर जानकारी आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। भारत समाचार ने भी इसको लेकर ट्वीट करके बताया है कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, खाली पदों पर नई भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रहा, प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के माध्यम से 5KD चौराहे पर रोका गया, बेसिक के अंदर 1,73,595 पद भरने को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रदर्शन किया गया, बाद में अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर पुलिस के माध्यम से इको गार्डन भेज दिया गया। अब ऐसे में आज की तारीख में धरना प्रदर्शन के बाद जब छात्रों की मुलाकात ओएसडी सर के साथ देखने के लिए मिली तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बताया कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी कहने के निर्णय लेने या फिर अभ्यर्थियों को लेकर जो मुलाकात करवानी है सीएम योगी के साथ और सीएम योगी तक इस मुद्दे को पहुँचाना है, वो आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर सरकार के सामने सारी की सारी चीज़ों को रखेंगे और जल्द से जल्द अभ्यर्थियों से संपर्क साधेंगे, जिससे कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी अभ्यर्थियों की मांगे हैं वो यहाँ पर सरकार के सामने रख सकें, जैसा कि आप यहाँ से सुन सकते हैं।
पर आप लोगों ने जितने लोग आए उनका धन्यवाद, पर जो लोग नहीं आए उनसे हम यही कहेंगे कि जितने लोगों ने हम पे विश्वास करके यहाँ आए हैं उनके लिए हमारी टीम ने यह फैसला रास्ते में ही कर लिया कि जितने लोग यहाँ आए हैं अभी उनका दीपक जी सर्वेश जी नंबर नाम लिखेंगे और ये धरना अनवरत चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमको इस बात पे गर्व हुआ कि लोगों को हमने जो लोगों ने कॉल किया उनको बता दिया गया कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, पर किसी ने यह एक सिंगल कॉल नहीं कहा कि भैया हम घर लौट। आपके जज्बे को मेरा सलाम। हमें बड़ी सेना नहीं चाहिए, कम सेना ही जीत दिलाएगी। और आपको बता दें मुख्यमंत्री आवास आज तक न घेरा गया है, शायद इससे पहले हम लोग शिक्षा मंत्री जी का आवास भी कम लोगों में घेर लिए। पर हुआ क्या था, उसमें हम लोगों ने कोई ना सोशल मीडिया पर काम करा, चुपचाप फोन करके इंडिविजुअल लोगों को बुलाया तो इतना न्यूज नहीं गई, तो प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ। आज आप देख ही रहेंगे यहाँ भी प्रशासन अलर्ट बहुत आप लोगों के लिए ही है, वहाँ भी बहुत था। तो अब होता क्या है, हम लोग ओएसडी सर से मिलते हैं मुख्यमंत्री आवास में, उनकी तरफ से अपनी जो 40 पेज की फाइल है वो दी गई, ज्ञापन में एक नई लाइन जोड़ी गई थी, ज्ञापन अभी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, जिसमें हमने एक लाइन और जोड़ी थी कि नई प्राप्ति शिक्षक भर्ती का धरना का 57वां दिन है। और ओएसडी सर ने साफ साफ यही बोला, आपकी मांग जायज है और हमारी बातें योगी जी तक पहुँच रही। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे जो घर पे बैठे हैं कि कुछ उसका मतलब नहीं हुआ, पहले घेर लिए गए। आप ये जरूर देखिए न्यूज़ चैनल पे चाहे जाओ, हर जगह यही लाइन लिखी जा रही, मुख्यमंत्री आवास से इसका पकड़े, गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास। आप ये बताइए हमें जो लक्ष्य चाहिए था वो हम लक्ष्य पाए ना? एकदम जरूर। आपको बता दें इससे पहले ओएसडी सर से किसी की मुलाकात भी नहीं, ओएसडी सर मतलब ये है कि आपकी बात सीधे योगी जी के पास पहुँचाई जाएगी, उसके बाद टीम के पास हमारा सोलंकी जी का, सोनू जी का, दीपक जी का कुछ नंबर लिखवाएगा जो जिनके पास कॉल आएगा और डीजी साहब से मिला जाएगा। अभी हम लोग एससीईआरटी पे जब डीजी साहब से मिलते हैं तो लोड नहीं लेते, क्यों? क्योंकि आम लोग हैं। जब योगी जी की तरफ से फटकार आएगी कि इनकी बात सुनी जाए तो वो अलग स्तर पे बात को सुनेंगे। तो इसलिए धरना अनवरत किया गया है टीम की तरफ से, होगा कि नहीं होगा? आप ये सोचिए 57 दिन हम लोग लड़ेंगे, ये छोटी संख्या नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ यहाँ भीड़ कम है, लोग अभी मजाक बनाएंगे कि भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए। आप अपने दिल से पूछिएगा, इन्होंने रायबरेली में हर कोचिंग में गए, हम भी गए, अपना 100% दिया, जितने लोग यहाँ आए उन्होंने अपना 100% दिया। तो ये मत सोचिए कि हमको कम भीड़ है कम लोग आए, ये मत सोचिए, ये सोचिए इतने लोग आए, ये इतने लोग। तो जैसा कि आपने छात्रों के माध्यम से सुना, ये धरना प्रदर्शन लगातार अनवरत जारी है, आश्वासन मिला है लेकिन जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक अभ्यर्थी हटने वाले नहीं है। आप लोग जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं पहुंचे इको गार्डन अभी भी जा सकते हैं, लगातार अभ्यर्थी इस धरना प्रदर्शन को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी अपडेट रहेगी आपको रियल ऑथेंटिक इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।